ये जो जजेस के माबेन आज हुई, हमने देखा है कि इस सारी समात के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो काफी तेज सवाल करते हैं, उनका रवैया जो है मिसेस सरीना इसा से भी तलख रहा। उसके बाद उन्होंने पहले उसी दिन माफी मांगी, फिर अगले दिन आकर माफी मांगी। अब जो है आप ये देखेंगे जस्टिस, हम ये मुसलसल देखते रहे हैं इस समात के अंदर कि इधर जस्टिस मकबूल बकर से कोई सवाल करते थे या तो उस सवाल के दरमियान में मुनीब अख्तर साहब बोल पड़ते थे या इंटरप्शन करते थे, आज फिर ऐसा ही हुआ। और ये आखिर ऐसा क्या है इनमें कि एक दूसरे के साथ ऐसा हो रहा है? मैं आपको बताता हूँ, ऐसा ये है कि अब चीज़ वाजे हो गई है, अब तो बच्चे बच्चे को पता चल गया है कि ये जज अगर रिटायर हो जाएगा तो ये सारा केस जो है फिर लटक जाएगा और ताखीर का शिकार हो जाएगा और FBI के चेयरमैन की रिपोर्ट पे फौरी तौर पे कुछ ना कुछ करने की मजबूरी हो जाएगी चीफ जस्टिस गुलजार की और जुडिशियल काउंसिल की, क्योंकि नजर सानी का लटक जाएगा केस, जज बेंच टूट जाएगा, नया जज आएगा, नए सिरे से समाप्त सारी होगी। ये सारा टाइम जो 15-15 लाख रुपए की तनख्वाहें लेने वाले ये 10 मौजूद जज हैं, ये जितना इन्होंने टाइम इस टैक्स पेयर का कौम का जाया किया है ये नए सिरे से फिर समाप्त करेंगे और एक ही केस को लेकर बैठे रहेंगे और जस्टिस फैजी साहब का केस लटक जाएगा और जुडिशियल काउंसिल को प्रोसीड करना मजबूरी बन जाएगी अगर ये जज रिटायर हो गए, क्योंकि फिर नए सिरे से मामला लटक जाएगा। तो इस बच्चे को पता चल गया है कि इस बेंच के ऊपर कुछ जज ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि जज रिटायर हो जाए और ये मामला लटक जाए, जबकि जो जस्टिस फैज ईसा के हक में कुछ जज हैं और यूं लग रहा है कि अब 2 मजीद जज जस्टिस फैज ईसा की तरफ आ गए, उनको मौका नहीं देना चाह रहे कि वो अपना फैसला बदल लें जिसके मुताबिक उन्होंने FBI को तहकीकात के लिए भेजा था। और अगर ये रिटायरमेंट से पैसे फैसला आता है तो यूं लगता है कि जस्टिस फैज ईसा के हक में होगा और यही चीज़ शायद जस्टिस बंदयाल और जस्टिस मुनीब को भी मालूम है और वो ये चीज़ नहीं होना दे रहे और लग ये रहा है कि वो डिले करवा रहे हैं। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।